तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होता है इसको समझने के लिए देखिए, अभी तक जितना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वो सभी हमारे जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स थे, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, फ्री फ्रॉम ओबेसिटी, इसको हम लोग बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, इसके लिए भी हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा था, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट पढ़ा, पावर के लिए पढ़ा, स्पीड के लिए पढ़ा, एजिलिटी के लिए पढ़ा, बैलेंस के लिए और रिएक्शन टाइम। अभी मैंने जितने भी टेस्ट आपको पढ़ाया दैट इज इंडिविजुअल। कभी आपको जब इंडिविजुअल अगर ये टेस्ट लेने होते हैं, सिर्फ आपको ये क्वालिटी मेजर करना है, तो आप किस किस टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि हाउ टू मेजर एंड हाउ टू टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, जस्ट लाइक पावर, स्पीड, एजिलिटी, इन सबको टेस्ट कैसे लिया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे कि आप होल फिटनेस नहीं जानना चाहते किसी भी का, ठीक है, इसमें क्या है, किसी का भी होल फिटनेस नहीं जानना चाहते आप सिर्फ उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी को मेजर करना चाहते हैं कि पावर कितना है, स्पीड कितना है, इंडिविजुअली आप सिर्फ जानना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ऊपर आपको बहुत सारे टेस्ट बता दिए हैं। आई थिंक उतने टेस्ट एनफ है आपके एग्जाम्स के पर्पज से। और अब हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटी के बेसिस पर, यानी फिजिकल फिटनेस के बेसिस पर कितने टेस्ट हो। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं फिजिकल फिटनेस क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तो इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। ठीक है, हमारे दिन भर का कार्य करने के बाद जब हम थकान महसूस नहीं करते हैं, और कभी कभी इमरजेंसी पड़ने पर हम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अवर फिजिकल फिटनेस। ये होता है नॉर्मल लोगों के लिए, ये जो डेफिनेशन होता है ये मतलब क्या है, नॉर्मल लेवल पे है। अब फिजिकल फिटनेस को दो लेवल पे बांटा गया है, एक होता है जनरल फिटनेस, एक होता है स्पेसिफिक फिटनेस। तो ये स्पेसिफिक फिटनेस किसके लिए चाहिए? ये चाहिए आपके प्लेयर्स को, या फिर आप कह सकते हैं एक एथलीट को चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिजिकल फिटनेस जब भी आप मेजर करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ये जो आएगा, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब दो पार्ट में कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, पांच यहाँ पे, पांच यहाँ पे, इससे ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बड़े लेवल पर, अभी जो अब फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आएगा, एक बड़े लेवल पर फिटनेस को, पूरे फिटनेस को, होल फिटनेस को चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग इंडिविजुअल चेक कर रहे थे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अब हम लोग होल टेस्ट, मतलब होल फिटनेस को चेक करने के लिए, उसको टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक बड़े लेवल पर। यानी कि अब जो भी आपके सामने फिटनेस टेस्ट आएगा, सभी फिटनेस टेस्ट क्या करेंगे, ये जितने भी फिटनेस के कंपोनेंट है, या तो ये वाले और या तो ये वाले, इन दोनों फिटनेस कंपोनेंट को मेजर करेंगे। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो कम से कम कोई भी इवेंट होगा तो 4, 3, 6, इससे कम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अब एक फिटनेस टेस्ट के अंदर, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट के हिसाब से क्या होता है, टेस्ट आइटम, या फिर हम लोग टेस्ट बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट आइटम या फिर टेस्ट बैटरी। ठीक है, टेस्ट बैटरी भी कहते हैं या टेस्ट आइटम भी कहिए, दोनों बात बराबर ही होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग लेवल पे फिटनेस को टेस्ट करते हैं। अब होल फिटनेस टेस्ट हो रहा है। होल फिटनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अगर फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट शामिल होते हैं, लगभग मिनिमम 5 या 4 कंपोनेंट का तो हमें टेस्ट करना ही करना होता है। समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है, कौन सा है। अब ये जानिए ध्यान से बात कि जब जनरल फिटनेस और स्पेसिफिक फिटनेस के कंपोनेंट्स आपस में मिलाए जाते हैं, तो आपका बनता है मोटर फिटनेस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया और क्लासिफाइड किया है, क्योंकि हमेशा हमारा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा मोटर फिटनेस कहलाएगा और कौन सा फिजिकल फिटनेस कहलाएगा। तो मोटर फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों में डिफरेंस होता है, जब ये कोई टेस्ट इन दोनों तरह के कंपोनेंट्स को मेजर करता है। ठीक है, उसे हम मोटर फिटनेस कहेंगे।
और ओनली फॉर अगर जनरल फिटनेस वाली क्वालिटी को मेजर करता है तो इसे हम सिंपल फिटनेस कहेंगे या फिजिकल फिटनेस कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस जो है दैट इज आफर यूथ फिटनेस टेस्ट। क्या है? आफर यूथ फिटनेस टेस्ट है, सबसे फेमस और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये इसका फुल फॉर्म है। एक बार 2016 के परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है और इसके बाद एक दो एग्जाम और मैंने देखे हैं वहां पे इसका ऑफर का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहां से फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बाद में इसमें क्या हुआ, एक वर्ड लग गया डांस, डी लग गया। अब कभी कभी ये क्या होता है, ऑफर्ड के नाम से आता है, अगर ऑफर्ड बोलेगा तो आप यहाँ पे डांस को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब ये है क्या, ये अमेरिका की एक ऐसी फिटनेस की मतलब एक संस्था है जो फिटनेस को चेक करने के लिए बहुत सारे मतलब एक इवेंट्स बनाया है मतलब। ठीक है, तो अभी क्या है, इसकी रिसर्च कमेटी जो थी उसने 1958 में एक टेस्ट तैयार किया। ठीक है, एंड अगेन, और उसको बाद में किसने मॉडिफाई किया, पॉल हंसिकर एंड जीजी रेफ ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया। अब एक बार ध्यान समझिएगा, तो ये सबसे पहली बार कब बना था, 1958 में, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, पॉल हंसिकर के द्वारा इसे मॉडिफाई किया गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, आपको डेट थोड़ा सा याद रखना है। आफर टेस्ट क्या नापता है, फिजिकल फिटनेस या यूथ फिटनेस, ये आप बोलेंगे, मोटर फिटनेस नहीं नापता है, इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, मोटर वर्ड वाला अगर आया ऑप्शन में तो आपको काट देना है। और आपको एक नई जानकारी बता दें, देखिए अभी जो आफर टेस्ट है, हाँ हिमांशु जी पूछिए। सौरभ जी ये कह रहा था कि इसको यूपी जो अभी 21 में हुआ था यूपी टीजीटी में, बट इसको मोटर फिटनेस माना था। अब देखिए वो लोग तो अब उल्टा सीधा मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और कह सकते हैं, देखिए ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये मोटर परफॉर्मेंस वाले भी क्या होता है, जो उनकी इवेंट्स होते हैं, जैसे पावर, पावर किससे बनता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ये आप देखे होंगे आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में, जब पावर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लेते हैं, पावर मेजर करने के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इसका है, आफर का टेस्ट है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं ये, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप। आइए इसको देख लेते हैं, इसका नया नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसका नाम हो गया, आफर का पूरा नाम चेंज हो गया है, द सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एडुकेटर्स, यानी कि सेप, SHAPE, सेप अमेरिका इसका नाम हो गया है, इसको अब इस नाम से जानते हैं, सेप अमेरिका। कभी एग्जाम में पूछेगा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन मे भी पूछ सकता है, तो इसका नाम चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, Known as Shape America, इसको हम Shape America के नाम से जानते हैं, is an American organization that provides support to professional in health, physical education, recreation and dance. और इसे बनाया गया था 1885 में, ये आफर्ड के नाम से बना था पहले, तो आफर्ड जो संस्था थी अमेरिका में वो establish किया गया था 1885 में। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अमेरिका में है, रेस्टॉन वर्जाइना यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके फाउंडर कौन थे, एडवर्ड हिचकॉक। ठीक है, फॉर्मली अभी इसे क्या कहा जाता था, पूर्व में इसे कहा जाता था अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, बस ये समझना है, कभी अगर आपसे आंसर पूछ दिया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आफर का बदला हुआ क्या नाम है, तो शेप नाम है इसका, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मोटो क्या हो गया है, हेल्थ मूव्स माइंड्स, ये याद रखिएगा, ये इसके क्या हो गए हैं, इसके नए मोटो हो गए हैं, पहले ये आफर्ड के नाम से आता था। तो सेम आप सभी रिसेंट बुक में, लेकिन सर ये चेंज नहीं किया गया है, मतलब अभी जो नए बुक भी आ रहे हैं उसमें आफर्ड ही दिया गया है। आप अरिहंत की बुक देखिए, आप प्रैक्टिकल वो
प्रैक्टिकल की अरिहंत बुक लिख लिए, प्रैक्टिकल की अरिहंत की बुक देख लीजिए ना, तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। अब पुराना है तो भी अच्छी बात है, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सभी लोगों को है, लेकिन हमारे बच्चे जो क्लास से पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये नाम देखकर वो ना कहे कि हमने पढ़ा नहीं था, तो इसी का नाम चेंज हो गया है। मैं आपको अब अपडेट कर रहा हूँ, बुक अपडेट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम अपडेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपडेट रहें। सेम वही चीज है, बस नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, आइए। ऐसा क्वेश्चन मुझे पता है केवीएस और नवोदय में पूछ सकता है, केवीएस और नवोदय में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका नाम क्या चेंज है, जहां तक 80-90% चांस बनता है, बाकी यूपी का पता नहीं मुझे। आइए बात, लेकिन आपको जानकारी दे दिया कि बाद में आप ये ना कहे कि सर मुझे तो बताया नहीं था आपने। आइए, तो इसमें क्या होता है, टोटल 6 बैटरीज होते हैं, 6 टेस्ट इवेंट होते हैं, बारी बारी से अलग अलग हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कंपोनेंट्स को, और ओवरऑल हम इसका इंडेक्स से कंपेयर करके फिटनेस का लेवल चेक करते हैं। तो सबसे पहला है पुलअप्स, ये होता है बॉयज के लिए, आप देख सकते हैं ये बॉयज है और ये पुलअप्स कर रहा है। पुलअप्स कैसे किया जाता है जो नहीं जानता वो भी देख ले, हालांकि हम लोगों में से सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है, और लड़कियों के लिए क्या होता है, फ्लैक्स आर्म हैंग होता है, इस तरीके से आपको आर्म को फ्लैक्स करके अपने चिन को होल्ड करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम तक। ठीक है, क्या मेजर करता है आपको याद होना चाहिए। देखिए सबसे जरूरी चीज है आपको कि जो भी टेस्ट इवेंट है वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है या एम उसका क्या होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो पुलअप्स आप कर रहे हैं, तो ये पुलअप करने में आपकी कौन सी ताकत लगेगी, आर्म्स की लगेगी और शोल्डर की ताकत लगेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स। ठीक है, लड़कियों का भी वही होगा सेम, और लड़कों का भी यही चीज मेजर होगा। ठीक है, यानी किसी बच्चे का हम अगर आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं तो हम उसे कौन सा टेस्ट कराएंगे, लड़कों के लिए पुलअप्स, लड़कियों के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। नेक्स्ट हमारा है बेंट नी सिटअप्स, ये बेंट नी सिटअप्स आपके ऑफर्ड में 60 सेकेंड का रखा गया है कि 60 सेकेंड में मैक्सिमम आप कितना कर पाते हैं। तो ये क्या मेजर करता है, सिटअप करने में आपके एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ चेक की जाती है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, आइए, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बताने का, आई थिंक आप लोग सब लोग समझ रहे हो, जानते भी होंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है शटल रन, शटल रन क्या मेजर करता है, एजिलिटी के साथ साथ स्पीड। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, एजिलिटी क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, जब आपकी बॉडी को कोई ऐसा टास्क मिले जिसमें डायरेक्शन का चेंज बहुत मूव बहुत तेजी से करना हो, तो वहां पे एजिलिटी वाला कंपोनेंट्स काम करेगा। और जब किसी इक्विपमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना हो या कुछ ऐसा मतलब चीज हो या किसी सिचुएशन के बीच क्या कोऑर्डिनेशन बैठाना हो तो वहां पे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी काम करेगा। माइनर सा डिफरेंस है, इसी का स्थान पर इसको चेंज किया है कोऑर्डिनेशन ने, एजिलिटी को ही क्या किया है, चेंज किया है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो शटल रन आपको सभी को पता होगा, ऐसे दो लाइन खींचते हैं 10 यार्ड की दूरी पर, 10 यार्ड की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर हम ऐसे लाइन खींचते हैं। उसमें क्या करते हैं, इस एक लाइन को हम स्टार्टिंग बनाते हैं, दूसरा लाइन फिनिश होता है, इसी लाइन के बगल में हम दो वुडन ब्लॉक ऐसे रख देंगे, लकड़ी का गुटका रख दो या कोई भी चीज रख दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, जाएगा और पहला वाला ब्लॉक उठा के वापस से इस तरफ रखेगा, फिर मूव करेगा और फिर यहाँ पर दूसरा वाला ब्लॉक उठाएगा और फिर यहाँ पे ये ब्लॉक रखेगा नहीं, ब्लॉक लेकर फिनिश करेगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि 10 यार्ड जो हमारा डिस्टेंस था उसको 4 बार रिपीट किया, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, 4x10 yard शटल रन। ठीक है, ये मेजर करता है एजिलिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं सर, इसका मेजरमेंट पूछता है, इसका चौड़ाई और लंबाई किसका सर, इसको वुडन ब्लॉक का, शटल रन का सर, ये वुडन ब्लॉक का सर, ग्राउंड का मेजरमेंट पूछा है, लेंथ कितना है इसका, ब्रीथ कितना है और वुडन का भी ग्राउंड का, ये आप इसका सचेन शटल रन तो ये शटल रन तो बता तो रहे हैं भाई,
अब देखिए ये यार्ड में किसने बनाया था, ये जो बाहर के कंपनी मतलब लोग होते हैं, जैसे अमेरिकन अलायंस ऑफर था, ये जो फॉरेन का टेस्ट था, ये सारे डिस्टेंस को यार्ड मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? यार्ड। अच्छा बताइए, यार्ड बड़ा होता है कि मीटर? हम लोग क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। कौन सा बड़ा है? मीटर यार्ड बड़ा होता होता है। है सर, मीटर बड़ा। यार्ड नहीं, सबको पता है। 91 सेंटीमीटर होता है एक यार्ड, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ गए? अभी हम एक आपको ये पढ़ाएंगे यूनिट वाला चैप्टर, बहुत दिक्कत होगी आपको अगर ये नहीं जानते हैं सारा। तो ये ऐसे 91.4 कहा जाता है एग्जैक्टली, लेकिन आप इसको 91 भी रख सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, 10 मीटर की दूरी पर आपने या 10 से 8 की दूरी पर आपने ऐसे दो लाइन खींच दिए, ठीक है। अब उसको खींचने के बाद यहाँ पे वुडन ब्लॉक को प्लेस कर दिया, तो इसमें क्या मेजरमेंट पूछता है बताइए सर? इसका चौड़ाई पूछता है, लेंथ, चौड़ाई। इसकी चौड़ाई लेंथ नहीं होती, चौड़ाई विड्थ होता है। तो ये चौड़ाई क्या है, इसका कोई मतलब फिक्स असर नहीं कहीं लिखा गया है। सर फिक्स इसलिए नहीं रहेगा कि 5 लड़कों पे भी टेस्ट हाँ, लेंगे वही तो चीज चौड़ाई है। अलग हो कभी जाएगी, कभी आप दो लड़कों देखेंगे की वो और अलग हो देखे जाएगी। होंगे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में कि तीन तीन लड़कों चौड़ाई के साथ जितना मन उतना। एक और तीन तो तीन सर लड़कों ये को सुविधा अनुसार बना लिया जाता है, सर ये सुविधा अनुसार बना लिया जाता है तुरंत, हाँ, क्योंकि तीन तीन लड़कों को एक साथ होता कराते हैं जिनके पास टाइम की वजह से। ऐसा है। चौड़ाई का नहीं है, लेंथ इसका फिक्स होना चाहिए आपको, बस ये याद रखिए। 10 × 4 मिलीमीटर रहता है यार्ड में, है तो मीटर में भी रखता है। देखिए फॉरेन वालों ने यार्ड में रखा हुआ है, सब मॉडिफाइड होता है, ठीक है, हम लोग मीटर में कर देते हैं मॉडिफाई करके। ये सारे टेस्ट मॉडिफाई किए जाते हैं। अब देखिए कैसे होता सर, है, ट्वेल्थ में तो यही प्रैक्टिकल कराया जाता है, ट्वेल्थ का ये प्रैक्टिकल ही है, यही कराया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो इवेंट कराया जा रहा है वो इवेंट किसको मेजर कर रहा है, यानी किस फिटनेस कंपोनेंट को मेजर कर रहा है। अब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या मेजर कर रहा है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। और जब भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात होगी वो कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा बताइए? सर स्ट्रेंथ ही कहलाएगा, पर इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन से पहले मसल्स एक्सटेंशन होती है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। नहीं, इसका एक हमको बताइए, पावर कहलाएगा। पावर इसको पावर कह सकते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मैंने बताया था, पावर को भी यही कहते हैं। जब क्या होता है, स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन सर। हाँ, स्पीड और स्ट्रेंथ जब कंबाइंड हो जाते हैं, स्पीड और स्ट्रेंथ कंबाइंड हो जाते हैं, जब दो कंपोनेंट कंबाइंड होंगे तो बनेगा पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दोनों बनेगा सर ना। तो ये देखिए आप कैसे स्टैंडिंग लॉन्ग जंप करते हैं या ब्रॉड जंप करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 12 ये फिट कर रखा हुआ है, तो इससे एक्सप्लोजिव पावर, ये बहुत बार पूछा गया है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शटल रन भी बहुत बार आया है, आपको पता होना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब भी आपका डिस्टेंस कम होगा तो वो क्या मेजर करेगा, जब भी डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मेजर करेगा, ये शायद गलत हो गया है, गलत नहीं, ठीक है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ये क्या है कि पैर भी कितने कम समय में इसको करती है। ठीक है, तो स्पीड मेजर करेगा, स्पीड के साथ साथ आपके लेग मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी, मतलब कितना तेज आप अपने बॉडी के स्पीड को अचीव करते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 50 यार्ड डैश। स्पीड अगर सिंगली बात की जाए तो ओनली स्पीड चेक करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस जितना छोटा होगा स्पीड होगा, डिस्टेंस और टाइम जितना बड़ा होगा रनिंग में वो एंड्योरेंस बनता जाएगा या कार्डियोवास्कुलर बनता जाएगा। आप समझ जाइए ध्यान से, तो आप अगर टेस्ट के नाम से अगर पकड़ पाते हैं तो आप पकड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 600 यार्ड हो गया, अब ये 600 यार्ड में क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अब ये कार्डियोवास्कुलर नापा जाएगा। मैंने आपको बताया था 200 मीटर से एबव कोई भी अगर आपको उसके लॉन्ग डिस्टेंस से कराया जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्पीड हो सकता है? ठीक है, हाँ पूछिए। दो लोगों ने हाथ उठाया है, कौन कौन है?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, ये जो आप ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के आइटम बता रहे हैं, इसमें जो आपने सिटअप्स बताया है वो बैंड सिटअप्स बोला है, मतलब उसमें नॉर्मल सिटअप्स नहीं आएंगे, बैंड ही आता है इसमें? हाँ, नी बैंड सिटअप, नी बैंड सिटअप, नी बैंड सिटअप्स होते हैं। हाँ ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इसमें? हाँ सर, ये डाउट ये है कि इसमें फिजिकल फिटनेस में ये जो सर, इसमें दो इवेंट है, जैसे 600 एड रन है और एक ऊपर सर वो था, क्या बोलते हैं वो स्ट्रेंथ वाला, ऊपर क्या था सर वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाला जो था। हाँ तो सर दोनों मिक्स है तो हेल्थ रिलेटेड है। अभी हिमांशु भाई ने यही बताया था कि देखिए कि इसको मोटर फिटनेस माना गया था, तो क्यों माना गया था? क्योंकि यही एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यहाँ पे पावर में आ रहा है और पावर वाला आपका मोटर फिटनेस कंपोनेंट है। समझ गया बात? वही वही सर, वही मैं भी कह रहा हूँ सर। हाँ तो आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये तो सर बड़ा एग्जैक्टली जिसने बनाया है ना वो भी ठीक से इसको बता नहीं पाता, मैं आपको सच बताऊं। वही मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसमें दोनों आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस भी आ रहा है और स्किल रिलेटेड फिटनेस भी आ रहा है, दोनों आ रहा है सर। हाँ हाँ चलिए आगे, जब दोनों आ रहा है सर तो अगर ऐसे देखेंगे तो मोटर में भी आ जाएगा। देखिए इनका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस अलग है, ऑफर वालों का ही एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होता है जिसको इन्होंने 1980 में बनाया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला, अब हमारे हेल्थ रिलेटेड, देखिए यहाँ पे बाकायदा नाम दिया हुआ है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट करेंगे, इसमें कोई भी इवेंट जो होगा वो आपका मोटर फिटनेस वाला नहीं आएगा या परफॉर्मेंस वाला नहीं आएगा या स्पेसिफिक वाला नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा आप तो उसको रख सकते हैं, लेकिन ये अगर पार्टिकुलर नाम से दिए हुए हैं तो आप इसको ज्यादा सही कह सकते हैं। तो 600 यार्ड क्या मेजर करता है, जब भी मैंने बताया डिस्टेंस ज्यादा 200 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा आप तुरंत आंख बंद करके कार्डियोवास्कुलर या इंड्योरेंस को लगाएंगे, याद रखिएगा हमेशा। इसमें देखिए बॉडी कंपोजिशन को भी मेजर करने के लिए टेस्ट दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होता है उसमें एक कंपोनेंट है बॉडी कंपोजिशन। तो यहाँ देखिए अगर प्योरली अगर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे बॉडी कंपोजिशन को भी मेजर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है स्किन फोल्ड कैलिपर से, ट्राइसेप्स एंड सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड्स। आप हमको लास्ट में बात करिएगा क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैक्स नी सिटअप्स, फ्लैक्स नी कहिए बैंड नी कहिए बात एक ही है, ठीक है, या फिर हम इसको सीट एंड रीच टेस्ट भी इसके साथ ले सकते हैं, मतलब अलग से करा सकते हैं। तो ये जितने भी इवेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, ये जितने भी क्वालिटी आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे आपके कंपोनेंट्स किसके हैं, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के हैं। तो कभी कभी आपसे हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड पूछ दे, तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला क्या है फिटनेस और मोटर फिटनेस है और नीचे वाला हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। एक होता है फ्लैसमिन का, ये बहुत ज्यादा टफ है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, यूजीसी वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इन्होंने 9 इवेंट बताए हैं। फ्लैसमिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरी 1984 में बनाया गया और इसमें कुल 9 फिटनेस को चेक करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग एक्टिविटीज बताए गए हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसका जरूरत नहीं आपको पढ़ने का, कंफ्यूजन बढ़ाता है। एक देखिए नेशनल फिजिकल इफिशियंसी, ठीक है, फिर बाद में बना यही नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव, आपने पढ़ा होगा 1965 में ड्राइव वाला जो पढ़ा था, तो पहले 1959 में टेस्ट आया और भारत के लोगों की क्या करने के लिए, उनकी फिटनेस फिजिकल फिटनेस क्षमता को मेजर करने के लिए सरकार द्वारा ये फिटनेस बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने अपनी कमेटी बनाई थी तो उन्होंने यही बनाया था नेशनल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, 1959 और 1960 में। अब देखिये ये जो टेस्ट बैटरी है इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है टेस्ट बैटरी ए और टेस्ट बैटरी बी। टेस्ट बैटरी ए क्या होता है, इसमें 5 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और आइटम्स कंटेन होते हैं दोनों में, आप देख सकते हैं 100 मीटर रन, ये 100 मीटर क्या मेजर करेगा, स्पीड स्पीड सर स्पीड,
स्पीड मेजर करेगा, मैंने बताया 200 से नीचे जितना भी इवेंट देखेगा सब स्पीड के लिए होता है। 800 मीटर क्या मेजर करेगा? एंड्योरेंस या कार्डियोवास्कुलर। बस आपको देखिए, आपको खाली ना कार्डियोवास्कुलर, आपको इवेंट का नाम पता हो जाए तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लो, इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट है लॉन्ग जंप क्या करेगा सर? सर अगर मान लीजिए 200 रन एंड वॉक रहे तो क्या वो कार्डियोवास्कुलर में जाएगा कि स्पीड में जाएगा? नहीं नहीं, वॉक कभी नहीं आएगा 200 मीटर का, ये बात याद रखिए, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है। नहीं नहीं सर, सर तो नहीं, 200 मीटर के ऊपर अगर मान लीजिए 400 वॉक दिया है या 800 वॉक दिया है तो वो किसमें कार्डियोवास्कुलर में आएगा कि स्पीड में आएगा? नहीं, वो कार्डियो में आ जाएगा, वॉक में मतलब रहेगा, कार्डियो रहेगा। हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर कर रहा है, ये रनिंग वाला लॉन्ग जंप है, ठीक है, स्टैंडिंग नहीं, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये देखिए ये वाला फिगर लगाया, रनिंग करते हुए इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए हाई जंप है, हाई जंप क्या मेजर करता है सर? ये भी तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पावर ही मेजर करेगा ना? ये भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, दोनों में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, बस डिफरेंस क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल में मेजर करता है और ये वाला वर्टिकल में करता है, बस ठीक है। दोनों के फॉर्म अलग है, डायरेक्शन फॉर्म अलग है, बाकी बात वही है। और ये नेक्स्ट आपका क्या है? शॉर्टकट सर, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम। देखिए ऐसे कभी कोई जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कोई दूरी तय की और आपने एक लाइन ऐसी बनाई तो इसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। जी सर, सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बनाई और आपका लैंडिंग पॉइंट भी यही था तो ये वर्टिकल हो गया, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वर्टिकल मतलब खड़ा, ऐसे समझिए, वर्टिकल मतलब खड़ा हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे आप लेट गए तो आपका जो ये वाला डायरेक्शन बनेगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट पुट, ये क्या मेजर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल खड़ा सर, ये अपर बॉडी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कर रहा है। इसको हम बोलेंगे शोल्डर, फिर हैंड्स का या आर्म्स का अपर बॉडी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए हमारा एम क्या होता है इसमें, हमारा एम होता है कि मैक्सिमम जाए, मैक्सिमम हम थ्रो कर पाए इसको, तो जब हम मैक्सिमम थ्रो करने की बात करते हैं तो जितना झटके से यानी कि हाथ का जो स्पीड होगा वो प्लस हाथों का स्ट्रेंथ दोनों एक साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा। अगर हम फेंकते वक्त हाथ को स्लो मोशन में रखें तो क्या हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी? नहीं कवर करेगी, इसीलिए देखिए स्पीड भी लगेगा और स्ट्रेंथ भी। तो एक बात जानिए कि जितना भी आपका जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स होता है और उसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप करते हो वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर करेगा, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाएगा, अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं है तो पावर वाला भी कहलाएगा। ये दोनों सही है, ठीक है। आइए, तो ये हमारा हो गया कौन सा फ्लैश, ये आपका था नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत ध्यान नहीं करना इसको, ठीक है। ऑफर वालों का याद करना था, ए और बी में क्यों बांटा है अब पता नहीं क्यों बांटा, मैंने इसके बारे में पढ़ा। एक्चुअली ये इन्होंने ना एज कैटेगरी वाइज किया था, इन्होंने 18 से 34 साल के लिए अलग किया, फिर 35 साल से 44 साल के लिए अलग किया, इस तरीके से मतलब 2-3 कैटेगरी बनाया था इन्होंने, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्होंने अलग किया है, ठीक है। ये आपका, हाँ ये आपका 3 कैटेगरी इन्होंने बताया था, एक 18 साल के नीचे, 18 इयर्स के नीचे वाले बच्चों के लिए। बी वाले ने 200 मीटर रन दिया है, अगर दोनों की स्पीड चेक करेंगे तो एक ही बैटरी में दो स्पीड मीटर तो होगी नहीं। कौन सा देखिए वहां पर, हाँ इससे स्पीड ही चेक होगा, तो दो स्पीड ही चेक होगा भाई, या इसको स्पीड चेक करने मैंने बोला है 2 से ऊपर जितना होगा
वो आप रखेंगे कार्डियो में, बस बात याद रखिएगा। तो सर इस इवेंट दोनों ही मेथड से स्पीड में चेक करेंगे सर, ये डाउट है। हाँ दोनों ही इवेंट से स्पीड क्यों चेक करेंगे, स्पीड 100 से चेक करें या 200 से? इसमें 100 से स्पीड चेक कर रहा है और 800 से एंट्रेंस चेक कर रहा है, तो इसमें 200 से दोनों की स्पीड क्यों चेक कर रहा है? अब ये तो भाई उन जो ने टेस्ट बनाया है वो ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन एक बात मान के चलिए क्योंकि अच्छा ये बताइए 200 मीटर में 200 मीटर आपको जाने में कितना सेकंड लगेगा? नियर अबाउट 22 सेकंड, सॉरी सर 25 सेकंड लगेगा, 25 सेकंड, 25 सेकंड से ऊपर लगेगा। तो मैंने बताया था ना कि 20-25 सेकंड तक जो इवेंट होता है वो एनारोबिक होता है, और एनारोबिक इवेंट हमेशा क्या मेजर करेंगे, जैसे आपका पावर क्या है, पावर एनारोबिक है, आपका रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है, एनारोबिक है ना, स्पीड क्या है, एनारोबिक है सर। हाँ तो बस आप भी समझिए कि एनारोबिक है, तो फिर कार्डियोवास्कुलर कहाँ से है, मतलब फिर यहाँ से एरोबिक इंडोरेंस कैसे नापेगा ये? जब तक एरोबिक नहीं होगी एक्टिविटी तब तक कार्डियो काम ही नहीं आएगा, ठीक है? अब उन्होंने क्या जान के ये बनाया है भाई, वो तो वही जानते ज्यादातर। आइए आगे बस हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला अभी डेवलप किया है खेलो इंडिया यूथ फिटनेस टेस्ट, ठीक है? अब आपका इसी लेवल पर फिटनेस को टेस्ट किया जाता है स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पर साई के द्वारा बनाया गया है। भाई पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया है, तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मतलब इसको बनाया है खेलो इंडिया यूथ फिटनेस टेस्ट, ठीक है? इसका दूसरा वर्जन आया है 2.0, पहला वाला वर्जन सक्सेस नहीं था तो 2.0 आया है। इसको 2020 में अपडेट किया गया इसके टेस्ट को। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर मेजरिंग फिटनेस असेसमेंट ऑफ इंडियन स्कूल्स बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है? दिस टेस्ट बैटरी इज डिवाइडेड इनटू टू एज ग्रुप, इसको दो एज ग्रुप में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है एज ग्रुप 5 से 8 साल, जिसमें क्लास 1 से 3 के बच्चे रहेंगे, और दूसरा 9 से 18 साल में क्लास 4 से 12 ईयर के बच्चे रहेंगे, मतलब क्लास 4 से 12 बच्चे रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट बैटरी क्लास 5 to 8 ईयर्स के लिए क्या क्या टेस्ट बैटरी है। तो बहुत ज्यादा नहीं, 3 टेस्ट बैटरी है। सबसे पहले बॉडी कंपोजिशन को मेजर किया जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया हुआ बीएमआई सबको निकालना आता है, किसी को दिक्कत? यस सर, मैंने उस दिन बताया भी था बीएमआई, किसी को अगर फिर से जानना है तो एक बार बता दे, लास्ट टाइम बता दूंगा सर, फिर से बता दीजिए। हाँ सर बता दीजिए, भुला गए हम तो। बुलाइए मत भैया, बुलाएंगे तभी। चलिए कोई बात नहीं है, आपको याद करना है पहले बीएमआई का फॉर्मूला। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? वेट के वेट अपॉन हाइट, ये पहले याद कर लीजिए। और जो हाइट होगा याद रखिएगा मीटर में, उसका स्क्वायर, और वेट होगा वो सिर्फ केजी में। अब आपको मैं आपको एक दे रहा हूं नंबर न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी बंदे का वेट है 78 kg, और अगर आपने उससे पूछा कि तुम्हारी हाइट कितनी है बेटा, तो वो आपको ना मीटर में नहीं बताएगा। तो ये मीटर में आपको खुद से निकालना आना चाहिए। जैसे उसने बता दिया 5 feet 10 inch, ठीक है? 5 feet 10 inch उसने अपनी हाइट बता दी। तो सबसे पहले हमको टोटल हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर में कन्वर्ट करने से पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिट का सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 1 foot बराबर कितना होता है? 1 foot बराबर 30 centimeter। तो कितना है फिट? 5 है, तो इसमें इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो गया? 150 centimeter हो गया। फिर अभी क्या बचा? इंच बचा है। 1 inch बराबर 2.5 centimeter, 2.54 होता है, लेकिन हम अप्रोक्स 2.5 लेके चलते हैं। अब इसमें कितना इंच है? 10 inch है, 10 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 25 आ गया। 25। अब कितना बचा यहाँ पे? 175 हो गया। 175 का स्क्वायर सर? हाँ 175 का स्क्वायर नहीं करेंगे, देखिए अभी आपको मीटर में 1.75 का। अभी आइए नेक्स्ट बात
फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। आपको बताया है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, पैर एक तरह रखना है, किसी लाइन पर बना के रख सकते हैं या कोई मतलब कुछ ऐसा दे सकते हैं, ईंटें वगैरह दे सकते हैं वहां पर, और अपने एक हाथ से क्या करना है इसको पकड़ना है, ठीक है। और आप कितना देर तक बैलेंस कर पाते हैं इसकी टाइमिंग को नोट किया जाएगा। बच्चों के लिए ये होता है बैलेंस को मेजर करने के लिए। अभी जो आप ये बीच में देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको कुछ ना कुछ इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। कौन सा खेलो इंडिया अभी हम लोगों ने खत्म किया है, 5 to 8 years खत्म किया है, ठीक है। अभी हम लोग बड़े बच्चों का देखेंगे जो 9 to 18 years के बच्चे होते हैं। 9 to 18 years के बच्चों में भी सेम आपको एक बॉडी कंपोजिशन का टेस्ट दिया गया है जो कि सेम उसी तरह से होगा। दूसरा होता है पार्शियल कर्लअप टेस्ट। पार्शियल कर्लअप टेस्ट क्या होता है, ये सिटअप्स का ही मॉडिफाई टेस्ट में क्या होगा सर, फ्लेमिंगो टेस्ट में क्या होगा, बताया था उस दिन, दिखाया भी तो सर, प्लेट और टैपिंग सर कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा प्लेट टैपिंग, प्लेट टैपिंग सर थोड़ा बता दीजिए क्या है, ये समझ में नहीं आया। अभी आप देखे तब भी नहीं समझ में आया। अरे दोनों ये देखिए ना, ये यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से 30 centimeters इधर और 30 centimeters इधर, ये दोनों रखना है और 25 सेकेंड तक क्या करना है, इस बच्चे को बोलना है कि तुमको ये प्लेट पर टैप करना है, इस तरीके से इस तरह से टैप करते रहना है, और ये 25 सेकेंड में कितनी बार टैप करता है इसको लेकर इंडेक्स दिया हुआ, इंडेक्स उस इंडेक्स से मिलाकर देख लेंगे कि इस बच्चे का स्कोर क्या है, कोऑर्डिनेशन का लेवल क्या है। बस अभी मैंने वीडियो भी दिखाया और फ्लेमिंगो टेस्ट मैंने पहले दिखाया हुआ है आपको, मैंने ऊपर बताया हुआ था जब आपको बैलेंस टेस्ट कराया था तो वहां मैंने फ्लेमिंगो टेस्ट कैसे होता है बताया हुआ है। अगर आप तो क्लियर है, एक बार और दिखा देते हैं, दिखा देता हूं एक बार और, देखिए इस तरीके से, या पूरा देख सकते हैं आप, पूरा शुरू से दिखा दो। सर आवाज नहीं आ रही, हेलो सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। नो सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही है, आपको पहले बताना चाहिए ना। चलिए आप एक बार लॉग आउट करिए, लॉग इन कर, और किसी कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं आ रही है सर, मुझे भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी नहीं आ रही है, नहीं ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम मेरे में भी हुई थी तो मैंने ऑफ करके ऑन किया। ओके ओके ओके, अभी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, रुकिए एक मिनट, ये सर आ गया, फ्लेमिंगो आ गया सर,
तो देख लिया फ्लेमिंगो टेस्ट क्या होता है। अब इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, 30 सेकंड में वो बच्चा कितनी बार, इसमें कुछ नहीं, इसमें टाइम नोट नहीं करते हैं, इसमें ये काउंट करते हैं कि 30 सेकंड में कितनी बार उसका डिसबैलेंस हुआ। ठीक है, 30 सेकंड में बच्चा कितनी बार डिसबैलेंस हुआ। अगर वो बच्चा 30 सेकंड में 14 बार डिसबैलेंस होता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। बाकी कितनी बार हो रहा है इस हिसाब से स्कोरिंग की जाती है। समझ में आ गया बात? यस सर क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और बीएमआई आप सभी जानते हैं ये सीनियर बच्चों के लिए 9 to 18 इयर्स में। और एक इसमें नया है जिसे हम कहते हैं पार्शियल कर्लअप टेस्ट। ये जस्ट लाइक एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, ये पार्शियल कर्लअप, इसको भी वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा मैं आपको, जस्ट वेट। स्क्रीन आ गई आप सभी के सामने? यस सर आ गई। देखिए पार्शियल कलर टेस्ट में क्या करते हैं, यहां देखिए दो स्ट्रिप लगी हुई है तो 6 इंच के डिफरेंस पर दो स्ट्रिप करते हैं। जब ये डाउन होगा तो इसका हाथ का फिंगर टिप्स इसके पीछे होना चाहिए, और जब ये अप होगा तो इसका ये वाला स्ट्रिप पर फिंगर टिप्स टच होना चाहिए। ये रूल है, इसको देख लीजिए, जिसे हम पार्शियल कर्लअप टेस्ट कहते हैं। सिटअप्स का ही मॉडिफाइड रूप है ये। 30 सेकेंड तक
समझ में आ गया सभी को? जी सर। ठीक है, तो ये था पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने देख लिया। बस 30 सेकंड में कितनी बार, इसमें 30 सेकंड का होता है और 30 सेकंड में इसके ओरिजिन समझिए कैसे होता है, 30 सेकंड में वो कितनी बार ये पार्शियल कर्ल अप कंप्लीट करता है, इसका नंबर ऑफ काउंट हो जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्कुलर इंड्योरेंस को चेक करने के लिए पुशअप कराते हैं। पुशअप जो होगा वो बॉयज के लिए होगा और एक मॉडिफाइड पुशअप होगा जो गर्ल्स के लिए होगा। मैंने बताया, देखिए मॉडिफाइड पुशअप में गर्ल्स क्या है, मॉडिफाइड पुशअप में गर्ल्स घुटने रख के कर सकती हैं और जो बॉयज होंगे वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको भी एक बार, हालांकि सबको पता होगा, जरूरत है दिखाने की नहीं जरूरत है? नो सर, जरूरत नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट हमारा है सीट एंड रीच टेस्ट, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। सबको पता होगा, मैंने ऊपर बताया भी था इस चीज को, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में। सीट एंड रीच, एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना होता है, ऐसे पैर फैलाकर सामने लेट जाना होता है, पैर फैलाकर, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में दोनों हाथ को ऊपर रख के मैक्सिमम रीच को टेबल के टॉप पे दर्शाना होता है कि आपकी रीच कितनी है सिटिंग पोजीशन में, इसीलिए इसे हम सीट एंड रीच टेस्ट कहते हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, डिलॉन, इस वर्ड से आया हुआ है, डिलॉन नहीं, इसकी खोज की थी 1952 में। हालांकि ये अगर याद नहीं भी रहेगा, लेकिन अगर कभी पूछ दिया आपसे तो डिलॉन, बाकी तो और दो लोग थे लेकिन इनका फेमस नाम है, आया हुआ क्वेश्चन है डिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 600 मीटर रन और वॉक। आपने एक चीज ध्यान दिया, यहाँ पे रन लिखा है और वॉक भी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि जब किसी से 600 मीटर कराया जाए, किसी के पास इतनी भी क्षमता ना हो कि वो टोटल 600 मीटर क्या कर सके, रन करके कंप्लीट कर सके। ठीक है, इस वजह से जब वो थक जाएगा बीच में तो वो वॉक कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि उसने ये 600 मीटर कितने देर में, टाइमिंग देखी जाती है और इस टाइमिंग के हिसाब से आपकी इंड्योरेंस या कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस की क्षमता को मेजर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात? यस सर। हाँ, तो ये समझिएगा रन और वॉक का नाम क्यों लिया है, अगर कोई बच्चा नहीं दौड़ पाता या कोई ऐसा है जो नहीं दौड़ पाता है इसको, तो वॉक करके वो क्या करेगा, इस डिस्टेंस को पूरा करना होता है बस। अब इस डिस्टेंस को पूरा करने में उसकी बॉडी ने कितना टाइम लिया, उसके फिटनेस ने कितना टाइम लिया, इससे मेजर किया जाता है और स्कोरिंग दी जाती है। तो 600 मीटर के लिए माइक तो बंद कर, 600 मीटर के लिए देखिए, कभी भी आपको बता दूं कि जो भी हमारा क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका फिनिश लाइन होता है, ये उल्टा बनाया हुआ है, यहाँ पे हमेशा इधर होता है फिनिश लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 600 मीटर में 200 मीटर पहले यहाँ हो गया, ये फिनिश लाइन यहाँ मानिए आप, और फिर इसके बाद दौड़कर एक बार और एक राउंड लेंगे 400 मीटर का, तो यहाँ जब फिनिश होगा आपका तो ये 600 मीटर का कराते हैं, देख लीजिए कैसे कराते हैं। नेक्स्ट है 50 यार्ड डैश, ये आप सभी को पता है 50 यार्ड एक स्प्रिंट रेस होता है, डायरेक्ट मतलब बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है, स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूयॉर्क स्टेट फिजिकल फिटनेस स्क्रीनिंग टेस्ट 1968। इसमें साइड स्टेप होता है, साइड स्टेप क्या होता है, 3-3 फीट की दूरी पर साइड स्टेप किया जाता है। ठीक है, 3-3 फीट की दूरी पर, यहाँ पे आप इसे खड़े रहेंगे, जैसे ही आपसे बोला जाएगा तो एक बार यहाँ जाएंगे, फिर दूसरी बार यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो इस तरीके से 3-3 फीट के गैप पर होता है, और इसमें कितना सेकंड है, कितना मिनट करना है वो देखा जाता है, कितने सेकंड में आपने कितने नंबर ऑफ साइड स्टेप किए, उससे इसको काउंट करके आपको स्कोरिंग दी जाती है, ये एजिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शटल रन। शटल रन भी आपका स्पीड के साथ साथ एजिलिटी को मेजर करता है। शटल रन में आप देख रहे हैं भाई, दो डस्टर होगा, 4x10 yard होगा। देखिए क्या है कि सभी इवेंट लगभग वही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, देखेंगे आप सभी को इवेंट वही है, बस सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एक दो इवेंट्स को चेंज करके अपना नया नया
नया नया क्या दे दिया है, एक न्यू टाइप का फिटनेस टेस्ट बना दिया है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग आप सारे इवेंट्स में सब जानेंगे, एक आध दो नए इवेंट्स आप देखने को मिलेगा हर फिटनेस टेस्ट में। देखिए सिटअप्स इन्होंने क्या बोला, वही चीज है, बैंडिंग सिटअप्स होगा जो कि आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ को चेक करता है। नेक्स्ट है स्क्वाट थ्रस्ट। स्क्वाट थ्रस्ट क्या होता है, ये देखिए आपकी पूरी बॉडी, ये जो आपकी पूरी बॉडी है इस तरीके से पहले करना होता है, डिप्स भी मारना है और फिर ऐसे करके स्क्वाट करके फिर जंप भी करना होता है, यहाँ पे जंप भी करना होता है, फिर जंप करने के बाद इस तरह बैंड होते हैं और फिर पुशअप करते हैं, फिर जंप होते हैं, ये आपने किया होगा 1 और 2, तो इसको हम स्क्वाट थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा फेमस अब नहीं है, जो मेन था केलो इंडिया आफर यूथ फिटनेस टेस्ट, ये ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है, फिटनेस में मैंने उसको बता दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं मतलब समझना है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के पर्पज से जाएंगे तो इन सब टेस्ट से पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको नया बताया कैलिफोर्निया फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट 1961 बाय जेनाई डेक्स्टर, ठीक है। बाकी वही चीज है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या करता है, एक्सप्लोजिव मसल्स को मेजर करता है, स्ट्रेंथ को। नी बैंड सिटअप क्या करता है, आपके एब्डोमेन मसल स्ट्रेंथ को और इंड्योरेंस को मेजर करता है। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने साइड स्टेप बताया, देखिए यहाँ पे फिगर आपको छोटा दिख रहा होगा, 1 मिनट साइड स्टेप आप कर सकते हैं, ये एजिलिटी को मेजर करता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ध्यान से प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पुलअप्स, आपकी शोल्डर एंड आर्म्स मसल्स को स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नया इन्होंने क्या दिया है, एक नया इन्होंने दिया चेयर पुशअप टेस्ट। चेयर पुशअप टेस्ट क्या कर रहा था, आपकी ट्राइसेप मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर कर रहा है, सीधी सी बात है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 मिनट जॉग एंड वॉक, ठीक है, 6 मिनट आपको जॉग और वॉक करना है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर कर रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको इससे परेशान नहीं होना है, अप्रॉक्स जितने भी है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मैंने आपसे वादा भी किया था कि ये वाला देखिए महत्वपूर्ण है, कैनेडियन, इसको देखना बहुत जरूरी है, कैनेडियन फिटनेस टेस्ट। आइए इसको देख लेते हैं, कैनेडियन फिटनेस टेस्ट क्या है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, आवाज आएगी। सर अब कल बता दीजिएगा टाइम, तो अब होने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं है, दो मिनट का टाइम अप होने वाला है, 2 मिनट से भी कम लगेगा। ये देखिए ये कैनेडियन फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, इसको 35 सेकंड में पूरा करना होता है, सारे इवेंट बता दूंगा अभी मैं, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हमको समझ में आ जाएगा क्या है ये। इस तरह से हर्डल है, फ्रंट रोल होता है, फॉरवर्ड रोल होता है, फिर वेट लेको यहाँ पे, वेट लेके यहाँ पे क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। एक बार पुनः देखेंगे इसको ध्यान से, इस तरीके से स्टार्ट करना है, लॉन्ग जंप है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ब्रॉड जंप आपका, ये होगा रिवर क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, 6 फीट की दूरी होती है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए आगे बताएंगे 5 फीट की होगी, और ये 10, ये देख लिया सिंपली है, और इससे बेस्ट टाइमिंग के लिए माना जाता है आपका कितना, ये देखिए कैनेडियन फिटनेस टेस्ट 1975 में बनाया गया था, और कहीं कहीं बता दूं मैं आपको बीपीएड और एमपीएड में कहीं कहीं क्या, ये आपका आईजीआई में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज। टोटल डिस्टेंस 75 मीटर का होता है, उसमें लॉन्ग जंप होता है 10 फीट का, जो पहला आपने लॉन्ग जंप देखा उसकी दूरी 10 फीट होती है, रिवर क्रॉसिंग होती है 7 टाइम आपको करना पड़ता है, ठीक है, जैसे इधर है आप
तो एक बार इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो 7 बार करने के बाद वो 6 फीट की दूरी पर होता है लड़कों के लिए, 7 बार करनी होती है। फिर वॉल्टिंग हॉर्स होता है, क्या होता है वॉल्टिंग हॉर्स, इसके बाद फॉरवर्ड रोल करना होता है, हर्डल हाइट होती है, एक हर्डल आपको मेजर कर, मतलब क्रॉस करना है 3 फीट 6 इंच का होता है, और फिर 2 बाल्टी जो भी इसमें वेट होगा, चाहे पानी नहीं होता दूसरा कुछ होता है, 10 किलो का बालू वगैरह रख के चलते हैं और 10 किलो दोनों हाथ में लेके दौड़ते हैं। ये टोटल टास्क आपको लड़कों के लिए बेस्ट टाइमिंग 33 सेकंड में कंप्लीट करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसे हम कहेंगे क्राइटेरियन रिफरेंट टेस्ट। कैसे क्राइटेरियन हुआ, हमने क्राइटेरिया बना दिया है कि जो लड़का 33 सेकंड में कर लेगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास है, और जो 33.5 सेकंड लेता है वो पास नहीं है, बस सीधे सी बात है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जब हम क्राइटेरिया बना देते हैं तो कहते हैं क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो आज लगभग आपके सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। कल हम लोग मोटर फिटनेस टेस्ट और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट। लगभग मैं सारे 99.9% टेस्ट को मैंने कवर किया है, इसके अलावा आपको कहीं दिखेगा। हाँ बोलिए।